हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल दी विकिपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल फेवरेट विस्कीज के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी रूटीन लाइफ में कौन सी विस्कीज को ज़्यादा पीना पसंद करता हूं। ये जो लिस्ट है ना, ये मैंने काफ़ी सोच समझ के बनाई है और इसमें मैंने सब तरह के प्राइस रेंज को कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले 1000 के नीचे नीचे वाले ब्रांड्स को कवर करूँगा, उसके बाद 2000 के नीचे नीचे वाले ब्रांड्स को कवर करूंगा, उसके बाद 3000 के नीचे वाले ब्रांड्स को कवर करूंगा। बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं मैं आपको बताऊंगा, कुछ गिने चुने ब्रांड्स ही हैं जिनको मैं अपनी रूटीन लाइफ में पीना पसंद करता हूं और काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूं, और इनका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप इन ब्रांड्स को ट्राई करोगे तो आपको भी ये पीने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं 800 रुपीस से लेके 1000 रुपीस का सेक्शन कवर करूँगा। इसमें दो ऐसी विस्कीज हैं जिसको मैं अपनी रूटीन लाइफ में पीना पसंद करता हूँ। डेली नहीं पीता, लेकिन फिर भी अगर मुझे 1000 के नीचे नीचे स्पेंड करना पड़े तो मैं इन्हीं ब्रांड्स को पिक करता हूँ। पहले नंबर पे जो विस्की आपके साथ शेयर करूंगा ये है ओक स्मिथ गोल्ड। दोस्तों, ओक स्मिथ गोल्ड एक ऐसी विस्की है जिसके बारे में ढेरों इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, सैकड़ों वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ये जो बर्बन का टच इन्होंने अपनी विस्की में दिया है, उस वजह से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। हल्की सी स्वीटनेस आपको इसमें मिलेगी, हल्का सा इसमें कॉर्न का टेस्ट आपको मिलेगा, हल्की सी ओकीनेस मिलेगी। तो भाई, काफ़ी ऑलराउंडेड ये एक विस्की है और 800 रुपीज़ में ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। जब भी मुझे इस प्राइस रेंज में पैसे स्पेंड करने होते हैं तो सबसे पहले मैं ओक स्मिथ गोल्ड की तरफ ही जाता हूँ, तो मुझे पीने में ये बहुत अच्छी लगती है। आप भी इसको जरूर ट्राई करिए। दोस्तों, दूसरी विस्की जो मैं 1000 के अंदर पीना पसंद करता हूं, ये है सिग्नेचर प्रीमियर। सिग्नेचर के दो वेरिएंट्स मार्केट में आते हैं, सिग्नेचर रेयर और सिग्नेचर प्रीमियर। मैं प्रीमियर की तरफ ज्यादा जाना पसंद करता हूं। इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, हल्का सा बोल्ड, हल्का सा पीट का, और हल्का सा ये एक आपको ओकी फ्लेवर देगी जो कि पीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये पीने में स्मूथ है। अगर आप इसको पानी के साथ और सोडे के साथ मिला के पियोगे तो भाई लाजवाब टेस्ट इसका निकल के बाहर आता है, और ये भी मुझे पीने में काफ़ी अच्छी लगती है। जब भी 1000 के नीचे मैं स्पेंड करना चाहता हूँ तो मैं सिग्नेचर प्रीमियर बाय करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओक स्मिथ गोल्ड एंड सिग्नेचर प्रीमियर, ये दो ऐसी विस्कीज हैं जो 1000 के नीचे मुझे पीना ज़्यादा पसंद है। चलिए अब आगे चलते हैं 1500 से लेके 2000 के सेगमेंट में कि कौन सी मुझे ज़्यादा पीना पसंद है, उनके नाम भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर मुझे 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये के अंदर अंदर कोई बॉटल लेनी होती है तो पहली ऑप्शन मेरी होती है जेमसन आयरिश विस्की। जी हाँ, मैं दीवाना हूँ इसके टेस्ट के लिए। जी, इतनी ज़्यादा स्मूथ है, इसमें कैरमल का, फ्रूट्स का, ओकीनेस का इतना बढ़िया कंबाइन होकर टेस्ट आता ना, और सबसे बढ़िया बात बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्मूथ ये विस्की है। अगर ज़्यादा ड्रिंक करने का मन है, मतलब कि 3 पैक से ज़्यादा लेने का मेरा मन है, तो मैं हमेशा जेमसन की तरफ जाता हूँ, क्योंकि कभी भी इसको पीने के बाद मुझे हैंगओवर नहीं हुआ, कभी भी इसने हेडेक मुझे नहीं दिया। बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है और काफ़ी स्टेबल मैं रहता हूँ। मुझे बहुत बढ़िया इसका टेस्ट लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट विस्की है। जी हाँ, कमाल की चीज़ आयरलैंड वालों ने बनाई है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट विस्की है। दोस्तों, अगली जो विस्की मैं 2000 के अंदर पीना पसंद करता हूं ये है ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व। ब्लैक डॉग के अब 3 वेरिएंट्स मार्केट में आते हैं, लेकिन ये जो सेंटर वाला वेरिएंट है ना, गोल्ड रिजर्व, ये मेरा फेवरेट है। जी हाँ, काफ़ी ऑलराउंडेड सा टेस्ट है इसका। अगर आप इसको थोड़ा सा पानी मिला के पियोगे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, या फिर हल्की सी आइस डाल के ऑन द रॉक्स अगर मैं इसको पीता हूँ तो बहुत बढ़िया एहसास आता है। काफ़ी रिच है फ्लेवर्स के मामले में, 42.8% अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ आती है। बॉटल की लुक बहुत ज़्यादा सेक्सी है, बहुत बढ़िया लगती है। कॉर्क के साथ अब ये जो नया वेरियंट आया है उसमें कॉर्क दिया है कंपनी ने, जो काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम, एक रिच फील देता है, और 2000 के अंदर मैं इसको पीना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जेमसन
और ये ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व, ये दोनों मेरी 2000 के अंदर काफ़ी बढ़िया, काफ़ी फेवरेट विस्कीज है। एक नई विस्की मार्केट में आई है जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड, जिसका कि रिव्यू मैंने आप लोगों के सामने ही किया था, उसका भी टेस्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। जी हाँ, वो बॉटल मैं फिनिश कर चुका हूँ, एक दो सीटिंग्स मैंने ली, मुझे काफ़ी बढ़िया लगी और मैंने उसकी दो तीन बॉटल्स और बाय की हैं, तो वो भी एक नई ऑप्शन है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फ्रूटी, काफ़ी ब्राइट, काफ़ी यंग सा टेस्ट है उसका, कॉकटेल्स काफ़ी अच्छी बनती हैं उसकी सोडे के साथ, और हल्का सा ऊपर से नींबू अगर निचोड़ के पियोगे भाई मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट है, वो भी 2000 के अंदर एक बढ़िया ऑप्शन है। तो 2000 के अंदर तीन विस्कीज होगी, एक जेमसन, एक ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व और एक जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड, ये तीनों ही मुझे पीना काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। दोस्तों फाइनली सेक्शन आ गया है 2500 से लेके 3000 रुपीज का, इसमें भी दो विस्कीज हैं जो मुझे पीना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये मैं सच बोलूंगा बिल्कुल रूटीन लाइफ में नहीं पीता, बल्कि महीने में दो बार हो गया या तीन बार हो गया मैं इनको पीना पसंद करता हूं, क्योंकि भाई बजट भी देखना पड़ता है। तो पहली विस्की में जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल। जी हाँ, ये स्टार्टिंग से मेरी दिल की वन ऑफ दी फेवरेट विस्की है। अब कई लोग बोलेंगे बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट है इसका, कई लोगों को शिवस रीगल 12 पीना पसंद है, लेकिन भाई मेरी जो फेवरेट है ये है ब्लैक लेबल। जी हाँ, मुझे इसका वो पीट का, वो एप्पल्स का, वो पेयर्स का जो टेस्ट है ना, वो जो कम्बिनेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो इसमें स्मोकीनेस है बिल्कुल ओवर पावर्ड नहीं है, बिल्कुल एक जेंटल स्मोक आपको मिलेगा, एप्पल्स का टेस्ट मिलेगा, पियर्स का, फ्रेश पियर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी लगती है। और इसको मैं पीना हल्का सा सोडा डाल के पीना पसंद करता हूँ, हल्का सा इसमें आप लेमन स्लाइस दे दीजिए भाई, मज़ेदार आपकी ड्रिंक बनेगी। मतलब मैं ऐसे पीना पसंद करता हूँ, आप भी ऐसे ट्राई करके देखो, बहुत बढ़िया टेस्ट है। ये 2800 से लेके 3000 रुपीज़ की पंजाब में मिल जाती है, गुड़गांव में, चंडीगढ़ में तो 2000 की मिल जाती है, लेकिन ये जो प्राइजेस बता रहा हूँ ना, ये मैं अपनी स्टेट के बता रहा हूँ। दूसरी जो विस्की मुझे पीना पसंद है, ये मैं काफ़ी रेयर पीता हूँ, मतलब कि कभी कोई ओकेजन आ गया, किसी का बर्थडे आ गया, कुछ सेलिब्रेट करना है और मुझे 3000 स्पेंड करने हैं, तो मैं बाय करता हूँ ग्लेनफिडिक 12। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट सिंगल मॉल्ट है जो आप पी सकते हो, एक क्रीम का, एक टॉफी का, एक पियर का, ओक का टेस्ट काफ़ी बढ़िया से आता है। ये मैं ज़्यादातर इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के पीना पसंद करता हूँ, कोई सोडा नहीं, कोई आइस नहीं, बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल पानी और अपनी सिंगल मॉल्ट, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब इसका टेस्ट है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी विस्कीज थी 1000 से लेके 3000 तक, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी है टेस्ट में, क्योंकि मैं सारा दिन इसी चीज़ में रहता हूँ, विस्की टेस्ट करता रहता हूँ, कभी कोई, कभी कोई, कभी सस्ती, कभी महंगी, क्योंकि काम ही मेरा है ये चीज़ों का रिव्यू करना। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के बाद ये ऐसी फाइनल एक लिस्ट अपने लिए तैयार की है ना, कि ये पीने में अच्छी हैं, डिसेंट हैं और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आपको देंगी। आपकी क्या राय है, आपकी कौन सी फेवरेट है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, चल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स।